देख रहे हैं YouTube चैनल मोहित महेश गुरु, जिसमें एक टॉपिक का नाम है मिरर एंड वाटर इमेज। वो ये मिरर एंड वाटर इमेज जो है एक रीजनिंग का टॉपिक है, जो आपका SSC, DSSB, बैंक, रेलवे, KV सब में आता है। तो इसको समझने के लिए हमने इस मिरर के सामने देखो गर्ल को, अगर देखोगे नोट करोगे जितनी दूरी पर मिरर के खड़ी हुई है उतनी दूरी पर मिरर में ये दिखाई दे रही है। अगर इसको देखिए आप, मिरर के जितना नज़दीक है उतना नज़दीकी दिखाई दे रहा है। तो मिरर की ट्रिकी ये बनती है, दूर की चीज़ दूर दिखाई देती है, पास की चीज़ पास दिखाई देती है। अगर आप गर्ल की लेग देखो तो रियल में लेग्स नीचे की तरफ हैं, तो उसकी मिरर इमेज में भी नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। जो उसका फेस है वो ऊपर की तरफ है रियल में, तो मिरर में भी ऊपर की तरफ, ऐसा तो नहीं है जो लेग्स है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है मिरर में और फेस नीचे की तरफ। तो मिरर के अंदर ये ट्रिक बनती है, दूर की चीज़ तो दूर दिखाई देती है, पास की चीज़ पास दिखाई देती है, और ऊपर की चीज़ ऊपर और नीचे चीज़ नीचे। तो यही ट्रिक काम करेगी हमारी भी। मैंने लिया है इसको, समझते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज से। मिरर में क्या होगा, जैसे ही जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, जितना करीब मिरर में ये दिखाई दे रहा है उतना करीब इधर भी मिरर में दिखाई देगा आपको, मिरर में भी इतना ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से ये मिरर के उतनी दूरी पर दिखाई देगा। और क्या होगा, जो ये दूर है, ये डब्बा जो है मिरर से काफ़ी दूर है, देखो कितनी दूर है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी पर ही वो मिलेगा आपको मिरर के बॉक्स। ये बॉक्स मिरर के और ये लाइन ऐसे मिल जाएगी, देख लो मिरर में जितनी दूर चीज़ दूर दिखाई दे रही है और पास की चीज़ पास में दिखाई दे रही है। अगर आप देखोगे ऊपर की चीज़ ऊपर ही दिखाई देगी, तो ये ऊपर ही दिखाई देगी पर उतनी दूरी पे दिखाई देगी, जितनी दूरी यहाँ है मिरर से उतनी दूरी पे। ये मिरर है आपका, ये मिरर है, तो मिरर में ऊपर की ऊपर दिखाई देती है पर जितनी दूरी पे होगा उतनी दूरी पे दिखाई देगी। ये चीज़ नीचे है, नीचे दिखाई देगी और तो ये मिरर में आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। मिरर के अंदर ऐसी शेप दिखाई देगी, के अंदर जो लॉजिक है टॉप का टॉप में दिखाई देता है, बॉटम का बॉटम में, नियर का नियर और फार का फार। ये ट्रिक है जो टॉप का टॉप में दिखाई देगा, बॉटम का बॉटम में, नियर का नियर, नियर वाली चीज़ नियर में और फार की चीज़ फार में। ये गर्ल जो दिखाई दे रही है वाटर इमेज के अंदर आपको, ऊपर रियल गर्ल है, नीचे उसकी वाटर इमेज है। अगर आप नोट करो तो जो उसके हैंड हैं वो वाटर इमेज के अंदर उसके पास में दिखाई दे रहे होंगे, जितने करीब उसके हैंड है उतने करीब उसके वाटर के अंदर इमेज दिखाई दे रही होगी। अगर आप उसको देखो उसके लेग्स को, तो लेग्स जितनी ऊपर दिखाई दे रहे हैं वाटर से उतनी वाटर इमेज में उतनी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखो उसकी तो उसकी जो लेफ्ट वाली लेग दिखाई दे रही है आपको वो लेफ्ट में दिखाई दे रही होगी और जो राइट वाली लेग है वो राइट में दिखाई दे रही होगी। तो इसकी ट्रिक बन गई आपकी वाटर इमेज के अंदर, दूर की चीज़ दूर दिखाई दे रही है देखो, पास की चीज़ पास में दिखाई दे रही है और लेफ्ट की चीज़ लेफ्ट में और राइट की चीज़ राइट में। तो आपकी जितनी भी वाटर इमेज की ट्रिक बनेगी वो यही ट्रिक काम करेगी। वाटर इमेज में कैसे बनेगा, वाटर में कैसे दिखाई देगा, वाटर में लेफ्ट का लेफ्ट ही दिखाई देगा आपको, राइट का राइट में दिखाई देगा, नियर का नियर, फार का फार। मिरर के अंदर लॉजिक दो तो सेम है, नियर का नियर, फार का फार, वहाँ पे टॉप बॉटम के हिसाब से बदलता है, यहाँ लेफ्ट राइट के हिसाब से बदलता है। अब इसी को देखते हैं, ये हमारा राइट में है तो हमें राइट में दिखाई देगा, ये लेफ्ट में है तो हमें लेफ्ट में दिखाई देगा, ये नियर है मिरर के वाटर के इमेज के तो यहीं पास दिखाई देगा तीर का निशान, ये जो गोला है ये इस इमेज से दूर दिखाई दे रहा है तो ये भी दूरी दिखाई देगा, तो ये तीर का निशान आपका कहाँ जाएगा, यहाँ, और ये गोला
इधर आ जाएगा, जितनी दूर ये है उतनी दूर ये दिखाई देगा। लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में दिखाई देगी और राइट वाली चीज राइट में दिखाई देगी। जितनी दूरी पर ये लाइन है इससे उतनी दूरी पर ये लाइन दिखाई देगी आपको। ये आपकी बन गई वाटर इमेज, ये बन गई थी मिरर इमेज। तो वाटर इमेज का लॉजिक लेफ्ट राइट कैसे अकॉर्डिंग, नियर फार, मिरर का टॉप बॉटम नियर फार, इस हिसाब से आप करेंगे तो सब आपको समझ आएगा। आपको और ध्यान से समझाता हूँ इस बात को। मिरर इमेज बना रहे हैं फिर से हम इस साइड, तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लो आप, पॉइंट्स ये पॉइंट्स प्लॉट कर लो आप। पॉइंट्स प्लॉट करोगे तो जल्दी होगा क्वेश्चन। पॉइंट्स को देखना मिरर में कितनी दूर दिखाई दे रहा है, ये मिरर से कितनी दूर दिखाई दे रहा है इतनी, तो इसको भी इतनी दूरी पे ले लो पॉइंट को। ये ले लिया आपने, ये वाला पॉइंट देखो आपको मिरर की कितनी दूरी पर है, यहाँ पर है तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर ही दिखाई देगी, तो ऊपर ही दिखाई देनी है आपको। तो जितनी दूर यहाँ है उतनी दूरी पर इसको ले लीजिए आप, और दोनों को फिर क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, अब ये तीर का निशान इस साइड ही आ रहा है तो इसको भी इसी तरह से ले लेंगे। तो ये बन गया आपका मिरर इमेज की ये वाली लाइन। सेम ऐसे इन दोनों पॉइंट को ले लेते हैं। पहले इस वाले पॉइंट को देखो मिरर से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, और ऊपर का ऊपर ही आएगा, और ये वाला पॉइंट इतनी दूरी पर है यहाँ से, उतनी दूरी पर इस पॉइंट को ले लो। ये ले लिया, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लिया, लिया आपने, और तीर का निशान लगा दो। फिर उसके बाद इस पॉइंट को देखो जितनी दूरी पर यहाँ से दिखाई दे रहा है उतनी दूरी पर इसको ले लो, और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट जितनी दूरी पर दिखाई दे रहा है मिरर के दूरी पर ले लो। तो दूर का दूर पास का पास चल जाएगा ये, और ये एरो का निशान इधर ही है, ये आ गया। तो ऊपर वाली चीज़ें ऊपर दिखाई दे रही होंगी, नीचे वाली चीज़ें नीचे दिखाई दे रही होंगी, और पास की पास दिखाई दे रही होंगी। समझते हैं, राइट का राइट मिलेगा, ये राइट वाली चीज़ राइट में, लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट में। फिर पॉइंट प्लॉट करके करते हैं, दूर का दूर पास का पास चलेगा ये दोनों में सेम। तो ये जितनी दूरी पर है दूरी पर एक पॉइंट प्लॉट कर लो। अब ये वाला पॉइंट प्लॉट इतनी दूरी पर दिखाई दे रहा है उतनी दूरी पर एक पॉइंट प्लॉट कर लो। यहाँ से कर लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर दिया, फिर ये तीर का निशान बन रहा है, ये बना दो इसी दिशा में, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट देखो इतनी दूरी पर है यहाँ से, तो इसको भी इतनी दूरी पर ले लो। ये ले लिया, ठीक है। उसके लिए ये पॉइंट देखो कहाँ है, जितना नज़दीक आया नज़दीक उस पॉइंट को ले लो, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से जो तीर का निशान है वो दूर है यहाँ से, तो ये भी दूरी दिखाई देगा। फिर उसके बाद ये वाले को देखो, ये पॉइंट कितनी दूर है इस साइड में, तो उसी साइड लेना, उतनी दूरी पर ही लेना। ये लिया, फिर उसके बाद ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट किधर है, जितनी दूरी पर है इधर से उतनी दूरी पर इसको लो, और उसी लेफ्ट को लेफ्ट में लो, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, तो जो तीर का निशान है वो दूर है, तो ये दूरी बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा, तो ये बन गया। तो इसकी क्या बन गई, वाटर इमेज बन गई। ये बन गई थी मिरर इमेज, ये बन गई थी वाटर इमेज। मिरर इमेज ऊपर बनती है, वाटर इमेज नीचे की तरफ बनती है।